दोस्तों, मैं भी टास्क कोहली आज आपके लिए YouTube पर वीडियो लेके आया हूँ पोस्ट मैच एनालिसिस पर। वीडियो पर बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आ सके। दोस्तों, कल दो मैचेस थे, पहला था राफा नदाल का और दूसरा था रॉजर फेडरर का। जोकोविच का मैंने पोस्ट मैच एनालिसिस पहले ही बता दिया था। तो राफा नदाल का जैसे मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वो 3 सेट्स में ही जीत जाएंगे और रॉजर फेडरर की भी प्रेडिक्शन मेरी सही रही कि वो 4 सेट्स तक जाएंगे बट वो जीत जाएंगे, वैसा ही हुआ। रॉजर फेडरर 4 सेट्स तक गए और वो जीत गए। दोस्तों, पोस्ट मैच एनालिसिस थोड़ा डिस्कस में डिटेल में बताते हैं। तो पहला मैच जो था राफा नदाल का, वो पहला मैच 6 सेट्स उन्होंने आराम से जीत लिए, सेकंड में भी आराम से जीत लिए, थर्ड में भी आराम से जीत लिए। तो कैमरॉन नूरी सीधे ही बाहर हो गए हैं राउंड 4 से और राफा नदाल एडवांस हो गए हैं राउंड 4 में। और सेकेंड राउंड में जो मैच था राउंड 3 का मैच, वो रॉजर फेडरर का मैच था हमारा डोमिनिक क्रॉफर्ड के साथ। तो जो वो मैच था इंडियन IST में मैच था, वो 12:30 बजे शुरू हो रहा और पेरिस के लोकल टाइम में था 9 PM और ये मैच लगभग चला 3 घंटे 35 मिनट। राइट, 3 घंटे 35 मिनट तक चला। और रॉजर फेडरर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बोला था शुरू में कि आई डोंट एक्सपेक्ट टू विन 3 मैचेस, कि 3 मैचेस मैं नहीं जीत सकता, बट एज अ रॉजर फैन वी नो ही कैन डू इट। तो उसने ये कर दिखाया और रॉजर ने मैच जीत लिया। बट हम ये नहीं बोल सकते कि मैच आसानी से जीता। डोमिनिक क्रॉफर्ड उसके 347th ओपोनेंट थे और उन्होंने एकदम टक्कर दिया। पहला सेट के ऊपर बढ़े तो पहला सेट जिसने सर्व कराई वही गेम जीता। पहले ही गेम रॉजर फेडरर ने करवाई सर्व में, वो ही जीता। दूसरी गेम डोमिनिक क्रॉफर्ड ने कराई, वो ही जीता। यही सिलसिला चलता रहा 6-6 तक। लास्ट में आया टाई ब्रेकर। अब जब टाई ब्रेकर आ गया तो रॉजर फेडरर की पहली थी वापिस में हो गया, बट टाई ब्रेकर में एक गलती हो रही डोमिनिक क्रॉफर्ड से और वो डबल फॉल्ट हो गया। जैसे ही उसका डबल फॉल्ट हुआ, रॉजर फेडरर ने उसकी एडवांटेज उठाई और पहला सेट अपने नाम कर लिया। तो दूसरा सेट भी एकदम बढ़िया रहा, शुरू से ही बढ़िया रहा। पहली गेम तो जो सर्व करा रहा वो ही जीता, दूसरी गेम भी रॉजर फेडरर ही जीता, तीसरी गेम रॉजर फेडरर ने सर्व वापिस ली, पहली बार हुआ पूरे मैच में। तो हमें लगा कि रॉजर फेडरर आराम से जीत जाएंगे, बट डोमिनिक क्रॉफर्ड ने शो किया कि वो भी ब्रिलियंट प्लेयर हैं। उन्होंने आले ही गेम में सर्व ब्रेक कर दी रॉजर फेडरर की, तो रॉजर फेडरर ने फिर से सर्व ब्रेक कर दी और उसके आले ही गेम में फिर से सर्व ब्रेक हुई। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा और लास्ट में जाके जो ये सेट था ये भी हो गया 6-6 पे, टाई ब्रेकर पे हो गया। बट इस बार डोमिनिक क्रॉफर्ड ने कोई गलती नहीं की और डोमिनिक क्रॉफर्ड ने उसके सर्व पे पॉइंट्स भी लिए, अपनी सर्व पे पॉइंट्स भी लिए और आराम से ये वाला सेट जीत लिया टाई ब्रेकर में। तो थर्ड सेट में भी हमें लगा था कि वो भी 6-6 था जाएगा और जैसा हमने सोचा था वैसा ही गया। क्यों? क्योंकि पहले 2 सेट 6-6 तक गए थे। इसमें भी सर्व ब्रेक हुई, कभी रॉजर फेडरर की हुई, कभी डोमिनिक क्रॉफर्ड की हुई, बट ऐसा रहा कि ये दोनों के लास्ट में 6-6 पर आए। तो टाई ब्रेकर फिर से हुआ, बट इस टाइम रॉजर फेडरर ने गलती नहीं की, रॉजर फेडरर ने टाई ब्रेकर जीता। और ये दोस्तों, रॉजर फेडरर का 5वां टाई ब्रेकर था इस साल का। सिर्फ वो 80 टाई ब्रेकर आ रहे हैं, वो भी इसी मैच में आ रहे हैं जो दूसरे सेट में डोमिनिक क्रॉफर्ड के साथ। इस साल वो कोई टाई ब्रेकर नहीं आ रहे। लास्ट सेट सोचा कि अब शायद डोमिनिक क्रॉफर्ड थोड़ी हिम्मत हार गए होंगे और वो शायद लेवल अपना ड्रॉप कर दिए होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और लग रहा था कि वो सर्व ब्रेक नहीं कर पाएंगे रॉजर फेडरर की, फेडरर आराम से कर लेंगे। रॉजर फेडरर ने तो ब्रेक की सर्व, बट डोमिनिक क्रॉफर्ड ने ज्यादा ब्रेक कर दी। डोमिनिक क्रॉफर्ड 4 सेट में आए थे, बट रॉजर फेडरर ने वापसी की और लास्ट में 5-5 हो गया था। और रॉजर फेडरर ने एक बार सर्व ब्रेक कर ली और एक अपना सर्व में पॉइंट गेम ले ली, तो वो लास्ट सेट जीत गया 7-5 से। दोस्तों, तो उन्होंने रॉजर फेडरर ने कर दिखाया कि वो 39 साल के हैं, बट ही लव्स टेनिस, ही वांट्स टू प्ले टेनिस। बट एक इंटरव्यू में उन्होंने जो बात बोली है वो रॉजर फैंस के लिए बहुत ही दुख बात है। उन्होंने बोला है कि ही कैन विदड्रॉ फ्रॉम द फ्रेंच ओपन। राइट, जीत के बावजूद भी रॉजर फेडरर फ्रेंच ओपन से निकल सकते हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि 3 घंटे 35 मिनट का मैच हुआ और अब क्या पता कि कैसा उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो उन्होंने ये बोला है कि अभी वो श्योर नहीं है कि विड्रॉ हो सकता नहीं हो सकता। अभी उन्होंने ऐसा बोला है कि अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी ही विल रिस्पॉन्ड एंड लेट द टीम नोस कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं तो चाहूंगा एज ए रॉजर फैन, एज ए टेनिस फैन,
सारे चाहेंगे कि वो अपना फोर्थ राउंड खेले, और फोर्थ राउंड उनका मैथ्यू ब्रिटनी के साथ, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है मैथ्यू ब्रिटनी, वो भी इटली के प्लेयर है। तो अगर रॉजर फेडरर विड्रॉ कर लेते हैं तो मैथ्यू ब्रिटनी सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए, बट मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि रॉजर फेडरर विड्रू नहीं करेंगे राउंड फोर्थ में। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे? और एक मैच था राफा नदाल का जो होगा राउंड फोर में मुस्टिटी के साथ, और जो मुस्टिटी है वो मैच फिफ्थ सेट तक गया है मैच और वो जीते हैं, तो उसमें भी थोड़ी हमें लग सकता है कि मतलब काफी रोमांच बढ़ा रहा। और एक डोमिनिक क्रॉफ्टर के साथ कोविड रिस्ट्रिक्शन के चलते एक वार्निंग उन्हें मिल गई और उसके कारण उन्हें पेनल्टी पॉइंट भी मिला, और वो था उन्होंने गलती से बॉल पे स्पिट कर दिया। थूकना आज तक अलाउ नहीं है कोरोना वायरस में, जैसे ही उसमें भी अलाउ नहीं था, क्रिकेट में भी बॉल को स्पिट नहीं कर सकते थे ड्यू टू द न्यू नोवल वायरस, तो इसलिए उनको पेनल्टी पॉइंट मिली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों बताएं कि रॉजर फेडरर क्या अगला मैच खेलेंगे और अगर खेलेंगे क्या जीतेंगे, और राफेल नदाल और जोकोविच, मेरा मानना है वो भी इस बार 3 स्ट्रेट सेट्स में ही जीतेंगे। दोस्तों आप बताएं आपको क्या लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।